आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। सिवनी जिले में किस तरह से काम हो रहा है, स्वास्थ्य विभाग में स्वास्थ्य विभाग के मुखिया प्रभारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर राजेश श्रीवास्तव की पकड़। ऐसा माना जा रहा है कि स्वास्थ्य विभाग पर बहुत ढीली हो चुकी है। आज हम एक मामला आपको जो यहाँ बता रहे हैं, ये मामला गोपालगंज पीएचसी का, सीएचसी गोपालगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गोपालगंज का है। यहाँ एक महिला रामसिया, जिसके पति भोजलाल उइके जो डुटेरा निवासी है सिंधरिया पोस्ट थाना कुरई, उनके द्वारा ये अपनी पुत्री के बारे में ये बताया गया कि पुत्री का प्रसव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गोपालगंज में कराने के पश्चात सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गोपालगंज में पदस्थ स्टाफ नर्स श्रीमती शारदा कमलेश के द्वारा नियम विरुद्ध 1,000 रुपये उससे मांग लिए गए। और उन्होंने आवेदन में बताया, ये हम आपको बता रहे हैं, कि रात 2 बजे के लगभग प्रसव हुआ और प्रसव के बाद स्टाफ नर्स के द्वारा डिलीवरी के उपरांत साफ सफाई आदि के लिए काम में उनके द्वारा राशि की मांग की गई, बहुत ही जिसे अनुचित ही माना जा सकता है। ये 2,000 रुपये की राशि मांगी गई, ये आवेदन आप देख रहे हैं, 1,000 रुपये की राशि स्टाफ नर्स के द्वारा मांगी गई, ये आवेदन यहाँ आप इसको देख रहे हैं। और उस सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के लेटर हेड पर इसकी शिकायत की गई है, जिनके द्वारा शिकायत की गई है वे सांसद के प्रतिनिधि हैं। अब सांसद के प्रतिनिधि अगर शिकायत कर रहे हैं तो आप समझ सकते हैं किस तरह की स्वास्थ्य सुविधाएँ जिले में मिल रही होंगी नागरिकों को। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति इस तरीके की बात, अनलगल बात तो शायद ही करे। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गोपालगंज जिला मुख्यालय से महज 12 किलोमीटर दूर है। आइए हम आपको बताते हैं कि क्या कहना है पीड़ितों का और पीड़ित क्या कह रहे हैं, ये हम आपको सुनाते हैं। और चार गांव से आई हूँ, मेरे सामने इन लोग भर्ती किए और डिलीवरी तो घर पे चुके थे इनके, इन्हें लाए यहाँ पे, एम्बुलेंस को फोन लगा दिए थे तो, और यहाँ पे लाए। इन्हें जो भी करी या ना करी, इनसे बोली कि पैसे तो 500 रुपये दी, इनने तो नहीं दी, 700 दी तो फेंक दी, फिर जो जबरदस्ती करके इनने 200 रुपये ली और 1,000 रुपये, 200 रुपये मेरे में ला के 800 रुपये इनके पास थे, 1,000 रुपये इन्होंने उनको दिया, तब उनने काम करी। क्या नाम उनका? शारदा कमलेश मैडम का नाम, शारदा कमलेश, और साथ में साफ सफाई करने वाली जी, उसको भी अलग दिया। उसने भी ली, उसी में थी, दोनों थी, वो दोनों थी। अच्छा, किसको लेकर आए थे आप? मेरी भाभी है और इनकी बेटी है। अभी कहाँ, यहीं पे भर्ती? अभी यहीं पे भर्ती है। ये कौन सा गांव रहते हैं आप? हम चार गांव रहते हैं। ये माताराम रहती हूँ। माताराम का नाम? रामसिया। और इनकी बच्ची का? तो सुना आपने क्या कहना था पीड़ित का, पीड़िता का जो कहना था, पीड़िता का कहने के अनुसार जो भी उसके साथ घटा उनके द्वारा बताया गया। और सांसद के जो प्रतिनिधि हैं रोगी कल्याण समिति सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गोपालगंज के, उनके द्वारा शिकायत की गई और उनके द्वारा ये भी कहा गया कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ खंड चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर वंदना कमलेश के समक्ष उनके द्वारा भी पूर्व में अन्य शिकायतें की गई। अस्पताल का स्टाफ 11 बजे नियम विरुद्ध आता है, रात्रिकालीन ड्यूटी में डॉक्टर अनुपस्थित रहते हैं, अस्पताल के स्टाफ का मुख्यालय में निवास न करना आदि बहुत सारी उनके द्वारा शिकायतें की गई हैं। इस तरीके की अगर शिकायत सामने आई है तो ये मानवता को शर्मसार करने वाले माना जा सकता है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से संजीव प्रताप सिंह की रिपोर्ट। अगर इस तरह से किसी भी प्रसूता के परिजनों से प्रसव के लिए पैसे मांगे जा रहे हैं तो ये पूरी तरह अनुचित ही माना जा सकता है। इस सब के लिए अगर प्रभारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर राजेश श्रीवास्तव स्वयं इसकी जांच करें और जिला मुख्यालय, ये तो ग्रामीण अंचलों की स्थिति है, जिला मुख्यालय में भी बिना पैसे लिए दिए प्रसव जिला चिकित्सालय में नहीं होता, इस तरीके के आरोप आज नहीं सालों से लगते आए हैं। सबके बाद भी स्वास्थ्य विभाग में सुधार परिलक्षित
कहीं कतई नहीं होता है। बालाघाट के सांसद डॉक्टर ढाल सिंह भिसेन, उनके सांसद प्रतिनिधि के द्वारा ये शिकायत की गई है, तो निश्चित तौर पर उन्हें इसमें संज्ञान लेना चाहिए। सिवनी के विधायक दिनेश राय, जो उनके विधानसभा क्षेत्र में गोपालगंज आता है, इसलिए उन्हें भी इस मामले में संज्ञान लेना चाहिए। और सांसद के प्रतिनिधि के द्वारा जिलाधिकारी डॉक्टर राहुल हरिदास फटिंग को शिकायत की गई है, जो आवेदन उनके द्वारा दिया गया है, पीड़ित के परिजनों का आवेदन भी है, इस पर कार्रवाई की जानी चाहिए। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से संजीव प्रताप सिंह की रिपोर्ट। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप इन्हें लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए। फिलहाल आपसे इजाज़त लेना चाहेंगे। जय हिंद।